हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस डिटर्मिनर्स। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिटर्मिनर्स इन माय प्रीवियस वीडियो, डिटर्मिनर्स के बारे में पूरी वीडियो आपको भेज दी गई थी जिसमें आपको डिटर्मिनर्स के बारे में थॉरली बताया गया था। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। जो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। यूनिट करने से पहले आप एक बार जो वीडियो आपको सेंड की गई है उसको एक बार दोबारा सुन लीजिए ताकि आपको सारे डिटर्मिनर्स क्लियर हो जाएं। आज हम प्रैक्टिस बुक में करेंगे। वर्कशीट 1 है, हाउसेज बिग और स्मॉल डू नॉट मैटर। घर बड़ा हो या छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वट मैटर इज़ हाउ हैप्पी यू आर इन देम। असली बात यह है कि आप छोटे या बड़े घर में खुश कैसे रहते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन राजूज एक्सप्रेशन इन हाउसेस बिग एंड स्मॉल। डिस्कस विद योर पार्टनर विच हाउस यू वुड हैव लाइक टू लिव इन। अब राजू का जो घर है, बड़े और छोटे दोनों घरों का एक्सपीरियंस है उसके पास, और आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे घर में रहना है। Raju has a house on the mall. This house is very small, but its garden is very nice. This garden is like paradise. It has many flower beds in shades of blues and pinks and reds. These flowers with sweet and smiling face make Raju's house an attractive place. छोटा सा घर है राजू का मॉल में, और ये बहुत छोटा घर है और इसमें एक सुंदर सा गार्डन है, और गार्डन ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्वर्ग में आ गया हो। पैराडाइज मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में आ गया हो, इतना अच्छा महसूस होता है गार्डन में आके। इसमें तरह तरह के फूल हैं, ब्लू पिंक रेड डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हैं इसमें, और ये जो फ्लावर्स हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और इन्हें देख कर चेहरे पर खुशी आ जाती है। और ये जो जगह है बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है, राजू को रहने में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो ये जगह बहुत उसे आकर्षित कर रही है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करना। राजू हैड अ हाउस ऑन रिज, दैट हाउस वॉज वेरी बिग, बट देयर वॉज नो फ्लावर नो टॉय, दैट हाउस हैड लिटल जॉय, दो राजू हैड मैनी अ फ्रेंड मच टाइम विद हिम दे डिड नॉट स्पेंड, देयर वर मैनी बट नॉट अ गुड पाल, पाल मीन्स फ्रेंड। His needed friends big and small, so Raju sold that house on the rich way to live in the house, this house lovely and gay. Raju ke paas ek bada ghar hai jo ki rich mein hai, lekin usme koi phool nahi hai, koi khilone nahi hai, usme khushi bhi use thodi milti hai, zyada khush nahi reh pa raha hai wo. Uske dost bhi hain wahan par, lekin wo unke sath zyada samay nahi bita pa raha hai. दोस्त तो काफ़ी हैं लेकिन कोई अच्छा दोस्त नहीं है, गुड पाल मतलब एक अच्छा दोस्त नहीं है उसको। दोस्तों की ज़रूरत तो है, चाहे वो बड़े घर में रहे चाहे वो छोटे घर में रहे। तो राजू ने जो रिच वे यानी कि जो बिग हाउस है वो बेच दिया, टू लिव इन दिस हाउस लवली एंड गे। और वो किस घर में रहना पसंद किया? उसने छोटे घर में रहना पसंद किया, क्योंकि ये उसे प्यारा भी लगा और गे मतलब आनंददायक भी लगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वर्कशीट 2 है, इसमें आपको क्या करना है, मैचिंग दिए हुए हैं साथ में, आपने इनको मैच करके लिखना है। जो बेटा राइट आंसर है वो आप सेंटेंस के साथ ही लिख देंगे, जैसे आई डिड नॉट बाय एन एप्पल, ही ड्रैंक अ कप ऑफ टी, कविता नीड्स अ हेयर ड्रायर, वी विजिटेड द रॉकी माउंटेन्स, ही इज़ अ फेमस बिजनेस मैन, मनोज बिकेम द मोस्ट हैंडसम मैन, शी इज़ द वाइफ ऑफ ए सक्सेसफुल लॉयर, मिस्टर ग्रैंड गणपति इज एन इलेक्ट्रीशियन, ही हैज़ अ पेट कैट, माई फादर राइट्स विद एन इंक पेन। तो यहाँ पर आपको मैचिंग दिए हुए हैं, इन मैचिंग को आपने उन्हीं
सेंटेंस के सामने लिख देना है, किसी के साथ एन लगा है, किसी के साथ अ लगा है। तो आर्टिकल्स जो है वो भी हमारे डिटर्मिनर्स का एक पार्ट है, आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स में ही आते हैं। आर्टिकल्स आपको मालूम है ए एन द, एन जहाँ पर वॉवल साउंड आएगी वहाँ आप एन यूज़ करेंगे, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा वहाँ आप अ यूज़ करेंगे। वर्कशीट 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डायलॉग बाय इंसर्टिंग द आर्टिकल्स ए एन द, ए एन द आपने यूज़ करना है। इज देयर एन एयर कंडीशनर इन दिस रूम, अब एयर ए की साउंड है, एन लगा हुआ है। यस द एयर कंडीशनर इज ऑन द वॉल अंडर दैट विंडो। डिड यू बाय एनी थिंग, यस आई बॉट अ हैट एंड अ स्कार्फ, एक हैट खरीदा और एक स्कार्फ खरीदा। द हैट कॉस्ट मी $10 एंड द स्कार्फ 12, हैट की कॉस्ट $10 है और स्कार्फ की $12 है। देयर्स अ फ्लाई ऑन दिस इज वाउंड, उसको जहाँ चोट लगी थी, उसके जहाँ जख्म हुआ था उसमें एक मक्खी बैठ गई। लेट हिम ड्राइव द फ्लाई अवे, चलो उसे जहाज उड़ाने दो। नेक्स्ट इज, यहाँ पर भी आपको डिटर्मिनर्स यूज करने हैं। पहले दिया हुआ है पार्क इन सुजानपुर एंड पार्क इन नेहरा। इन माई समर वेकेशन आई विजिट अ पार्क इन सुजानपुर, दिस पार्क वॉज स्मॉल, दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस, ये भी डिटर्मिनर्स का हिस्सा है। दिस पार्क वॉज स्मॉल, देयर वर स्विंग्स एंड स्लाइड्स इन इट, सिड एंजॉयड द स्विंग्स इमीडिएटली, ही ट्राइड ईच वन ऑफ देम। What we liked best about the park was that it was very clean and peaceful. Nikki wants to visit the park again. Summer vacation में मैंने सुजानपुर के छोटे से पार्क में विजिट किया। इस पार्क में मैंने विजिट किया, वहाँ पर झूले थे, स्लाइड्स थी, सिड ने झूले लिए और उसने हर एक झूले को ट्राई किया। और मुझे सबसे अच्छा पार्क में क्या लगा कि ये बहुत साफ़ सुथरा था और यहाँ बहुत शांति थी। निक्की इस पार्क में दोबारा जाना चाहती है। अब नेहरा का पार्क है, ठीक है। लास्ट संडे आई विजिटेड अ पार्क इन नेहरा, इट वॉज वेरी बिग, देयर वर मैनी स्विंग्स एंड राइड्स इन इट, ऑल दोज राइड्स वर इलेक्ट्रिक वंस एंड देयर वर लॉट्स ऑफ फूड स्टॉल्स। सिड लाइक्ड दिस पार्क फॉर वेरियस रीजन, मिसेस आर्या एंड निकी हाउएवर डिड नॉट लाइक दिस पार्क बिकॉज इट वॉज वेरी क्राउडेड। पिछले संडे मैं नेहरा के पार्क में गया, ये पार्क बहुत बड़ा था, वहाँ पर भी झूले थे झूलने के लिए, इलेक्ट्रिक झूले भी थे और फूड स्टॉल, खाने के स्टॉल लगे हुए थे। सिड को ये पार्क कई कारणों से अच्छा लगा, वेरियस मतलब डिफरेंट। और मिसिज आर्या और निक्की को जबकि ये पार्क अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि इट वॉज वेरी क्राउडेड, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बेटा दिस इज़ 3 पेजेस किए हैं आज हमने, छोटा सा चैप्टर है ये डिटर्मिनर्स का, कल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप, फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपनी डिटर्मिनर्स की वीडियो को एक बार ज़रूर सुन लें, समझ लें, इससे आपको ये एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।